इंजीनियरिंग केमिस्ट्री टू का क्वेश्चन बैंक का फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, अ सैंपल ऑफ कोल हैज अ फॉलोइंग कंपोजिशन बाय मास। कार्बन 85%, हाइड्रोजन 6%, ऑक्सीजन 8%, सल्फर 0.5% और ऐश 0.5%। अपने को कैलकुलेट करना है इसमें HCV एंड LCV यूजिंग डुलोंग्स फॉर्मूला। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा वो देखते हैं। HCV का फॉर्मूला होता है 1/100 इंटू 8080 कार्बन प्लस 34,500 इंटू हाइड्रोजन माइनस ऑक्सीजन अपॉन 8 प्लस 2240 इंटू सल्फर। अभी ये फॉर्मूला कंप्लीट HCV का है, ये फॉर्मूला अपने को याद रखना पड़ेगा। इस फॉर्मूला में ये जो परसेंटेजेस में वैल्यूज गिवन है वो हम लोग पुट करेंगे, फिर कैल्स में पुट करके आंसर निकालेंगे। बस ये फॉर्मूला अपने को याद रहना चाहिए और ये वैल्यूज तो अपने को याद रहेगी, याद नहीं रहेगी तो हम लोग कैल्सी में इसको स्टोर कर सकते हैं, उधर से हम लोग को वैल्यूज याद रहेगी। तो हम लोग अभी वैल्यूज पुट करेंगे। तो स्टार्टिंग में लिखेंगे HCV इक्वल टू फर्स्ट है 1/100, तो उसको लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे 8080 इंटू कार्बन। कार्बन की वैल्यू है यहाँ पे 85%, तो इसीलिए इसको 85 लिखेंगे, परसेंटेजेस में लिखेंगे, प्लस 34,500 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वैल्यू है 6%, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, माइनस ऑक्सीजन अपॉन 8, ऑक्सीजन है 8, तो उसको लिखेंगे 8/8, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस 2240 इंटू सल्फर। सल्फर है यहाँ पे 0.5%, तो उसको लिखेंगे 0.5%। अभी ये अपनी वैल्यूज एंटर हुई, अभी इन वैल्यूज को अपने को कैल्सी में एंटर करना है। तो कैल्सी लेंगे, यहाँ पे कैल्सी लेंगे, कैल्सी में सारी वैल्यूज एंटर करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है यहाँ पे 1/100, कैल्सी को ऑन करेंगे। फर्स्ट वैल्यू जो अपने को एंटर करनी है वो है अपॉन वाला फंक्शन चूज करेंगे, 1/100 करेंगे। फिर उसके बाद जो है वो 8080 है, तो उसको एंटर करेंगे। उसके बाद कर्सर राइट साइड लेके आएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एंटर करना है 8080। उसके लिए एक और ब्रैकेट चालू करेंगे, 8080 इंटू 85 है, तो ये 85 एंटर करेंगे। उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस 34,500 ये एंटर करेंगे। फिर से एक ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे 6 माइनस अपॉन में फंक्शन है 8/8 जो कि 1 होता है, फिर भी हम लोग जैसा इक्वेशन है वैसा एंटर करेंगे, ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस ये 2240 एंटर करेंगे, 2240 इंटू 0.5 और ये ब्रैकेट क्लोज करेगी अभी। तो अपना जो कंप्लीट आंसर आएगा वो आएगा ये वाला। अभी ये फ्रैक्शन में तो इसको HD करेंगे, तो आंसर है 8604.2। अभी ये जो आंसर है इसका जो यूनिट होता है वो होता है किलो कैलोरी पर KG में। तो इस आंसर को लिखेंगे HCV इक्वल टू अपने को आंसर आया 8604.2 किलो कैलोरी पर KG। ये अपने को कैल्सी से डायरेक्ट आंसर आया। एग्जाम में स्टेप्स बढ़ाने के लिए हम लोग इसको इंडिविजुअली सॉल्व करके ऐसा कर सकते हैं, ये आंसर को थोड़ा नीचे लिखेंगे, फिर इन स्टेप्स के आंसर कैल्सी से निकालेंगे, इन मल्टीप्लिकेशन के आंसर, ताकि अपनी स्टेप्स थोड़ी ज़्यादा बढ़े। अभी नेक्स्ट अपने को इसमें फाइंड करना है LCV अपने को फाइंड करना है। तो LCV का जो फॉर्मूला होता है वो होता है LCV इक्वल टू HCV होता है, HCV माइनस 0.09 इंटू 6 इंटू 587। तो ये LCV का फॉर्मूला है। अभी HCV की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी है, उस वैल्यू को हम लोग एंटर करेंगे LCV में, तो LCV बनेगा HCV की वैल्यू है 8604.2 माइनस ये लिखेंगे 0.09 इंटू 6 इंटू 587। अभी इन वैल्यूज को कैल्सी में पुट करेंगे, इस वैल्यूज को अभी कैल्सी में पुट करेंगे और फाइनल आंसर निकालेंगे। तो कैल्सी लेंगे,
वैल्यूज़ अपने को यहाँ पे पुट करनी है, तो हम लोग क्लिक स्टार्ट करेंगे कैलसी में, एंटर करना वैल्यूज़, ऑन करेंगे कैलसी को। सबसे फर्स्ट 8604.2 माइनस, ये 0.09 है, 0.09 इंटू 6 इंटू 587। अभी इसका आंसर एसडी करेंगे तो इसका आंसर आता है 8287.22। ये है इसका फाइनल आंसर एलसीवी का। तो इस आंसर को लिखेंगे, और इसकी भी यूनिट जो होती है वो किलो कैलोरी पर केजी में होती है। तो ये आंसर लिखेंगे यहाँ पे 8287.22, यूनिट है इसकी किलो कैलोरी पर केजी। तो ये है अपना एचसीवी और एलसीवी का आंसर। ये एचसीवी का अपने को फॉर्मूला लर्न होना चाहिए और एलसीवी का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन।